और इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम भी नहीं मुझे लग रही। तो अगर चीनी नहीं भी ऐड करेंगे तब भी चलेगा? उसे लगा मैं आम सा बंदा हूँ, मुझे उसने आम सिर्फ दो ही दिए। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, दिस इज मी। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अगर अच्छे नहीं हैं तो आज हो जाएंगे। आज मैंने अपनी ड्रेस का डे टू शुरू किया। कल मुझसे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, पर आज डे टू था, काम स्टार्ट कर लिया मैंने। पर फॉर सम रीज़न मेरी मशीन काम नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आज मेरी ड्रेस का काम चल पाएगा। सो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है फिलहाल, एंड कोशिश करूँगी। मैंने उसको क्लीन करने की भी कोशिश की मशीन को, पर होया नहीं, लाइक फ़र्क नहीं पड़ा। सो अब मैं कुछ कर रही हूँ, एक मिनट आज चलेगा या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक तो जिस फैब्रिक की मैं ड्रेस बना रही हूँ बहुत ज़्यादा पतला है, लाइक दुपट्टे जैसा मटेरियल है उसका, शिफॉन काइंड का। सो पता नहीं उसकी वजह से हो रहा है ऐसे या क्यों, सो वो नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने कल वाइट चने भिगोए थे सोने से पहले, सो मैं बना रही हूँ चने, एंड उसके साथ बनेगी पूरी। एंड समय हुआ है 2, ये हमारा ब्रेकफास्ट एंड लंच, लाइक ब्रंच होने वाला है। मुझे लगता है कि ये हमारा डिनर भी है, आज एक दिन का एक ही मील खाते हैं हम, तो यही इतना हैवी हो जाएगा, तो हम रात में अलतू फालतू चीज़ें ही खाएंगे, ठीक है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं चने कैसे बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, ये सेम वही रेसिपी को यूज़ कर रही हूँ मैं। सो मेरे कुकिंग चैनल पर ज़रूर से देख लें, सिमार्क एंड कुक पे। एंड सो पूरी का आटा हमारा तैयार है, चने तैयार है, तड़का लगा रही हूँ मैं। खाने के बाद अगर मैं मेरी ड्रेस मेकिंग को जारी रखूंगी या मेरा सक्सेस होगा वो, तो वो किसी और व्लॉग में जाएगा। सो इस व्लॉग को ड्रेस मेकिंग व्लॉग से सेपरेट कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग कुछ दिन पहले, जब मैंने व्लॉग करने की कोशिश की, पर मेरे खूबसूरत पति की वजह से व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे इंटरप्ट कर दिया यह कह के कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत नहीं थी। सो वो क्लिप भी आप देख सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज मी, दिस इज माय सन एंड माय हस्बैंड गेटिंग रेडी। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने प्लान बनाया था कि आज व्लॉग करेंगे, पर हम इतनी भज दौड़ चले कि व्लॉग नहीं कर पाए। हम लोग गए थे कॉस्को एंड इंडियन ग्रॉसरीज। कॉस्को गए थे मेरी प्रिस्क्रिप्शन को पिक करने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा क्राउड थी क्योंकि आज मिडनाइट से यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है। काफी ऑलरेडी लग चुका वो कहना, आज तो नहीं होगी। देख लिया आपने, ऐसे मेरे पति मेरी हर चीज में इंटरप्ट करते हैं। बहु कुछ नहीं बोलोगे अपनी सफाई से। ओके, जब मैं व्लॉग बनाना शुरू की तही मैं क्या कि अजरा तो लॉक स्टे होम ऑर्डर आ लॉकडाउन, तो ही पत्नी का कहा एंड ओले दा खादा बाद में पता चलता है, क्योंकि फ्लेवर बाद में आता है ना। आई नो, बुड्ढे का कहा, बुड्ढों बुजुर्गों का कहा एंड ओले का कहा, पर बुजुर्गों को हटा के पत्नी कर लेते, क्योंकि पत्नी हमेशा जो भी कहती है सही कहती। मुझे समझ में नहीं आता कि पत्नियाँ कहाँ से आई हैं, लाइक दुनिया के किस कोने से आई हैं कि हमेशा सही होती हैं। ये बंदे कितों आए या पता ही नहीं चल रहा कुछ इनको। बहुत तो नहीं लगता कि वाइफा किनिया प्यारियाँ एंड इनिया समझदार कि दहुनिया। बंदे दे दिमाग चूस के अपना ले लैंदियां, बंदे नूं खोखल करके
सीधा कर देंगी है ना, बंदे कमले हो जाते, जनानियां समझदार हो जाएं, बंदे को अकल थोड़ी घट घट होंगी वो भी जनानियां ला लेंदियां। लॉजिक तो है थोड़ी गल जी। ऑलराइट दोस्तों, तो हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो जो हमारे नियर इंडियन स्टोर्स है वहाँ पे मुझे काबुली चने नहीं मिलते हैं, तो वहाँ से मुझे काबुली चने मिले हैं और इनका साइज काफी अच्छा है। सो उनके चा में हमने आज चने बनाए हैं उनको यूज करने के लिए। सो वैसे कल की लेफ्ट ओवर सब्जियां भी है भिंडी एंड आलू मेथी, पर हम ही फ्रेश माल खाएंगे। मुझे ना कुछ दिन पहले इस चीज़ का डर लग रहा था कि मेरी मशीन ख़राब ना हो जाए, वो कितने दिन हो गए उसको मैंने खोल के सफाई भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सो जिस चीज़ का आपको डर लगता है ना, वो समटाइम आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने मेरी मशीन को ख़राब करने का अट्रैक्ट कर ही लिया अपने लाइफ से। अब सोच रही थी यार मशीनों को जोड़ना जाए, मेरी ड्रेस कम्प्लीट हो जाए, ख़राब कर लिया। रेडी है, चने बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं, पर मिर्ची थोड़ी तेज़ है, पर इट्स ओके, हम खाएंगे मिंट वाली चटनी रायता नहीं बनाने वाले वक्त। एंड मैंने तेल रख लिया है, पूरियाँ बेलने वाली हूँ मैं, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। एंड पति को मैं कहने वाली हूँ, पति एंटरटेनमेंट ला लो कोई होना। बनती है वैसे हमेशा नहीं बनती, कई बार अच्छी बन जाती है, तो इस बार थोड़ी बेकार बन गई पर अगली अच्छी बन गई है। एंड पति के रिव्यूज लेना चाहेंगे आप? नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? यार छोलियों की रेसिपी सेम है, पर मेरी रेसिपी हमेशा बेस्ट वर्क कर रही है काबुली छोलियों की। टाइटर इन्होंने जिद्दा ही मैं वेख्या कि काबुली छोले, आई नीड टू गेट इट, क्योंकि हम लोग इंडिया में हमेशा काबुली छोले बनाते हैं। गाइस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद जब मेरी प्लेट रेडी हो जाएगी, तब तक के लिए आप कुछ खाने का इंतजाम करें। Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Okay, so मैं taste test यहीं पे करने वाली हूँ, क्योंकि फिर मैं उठे आराम ना बैठ के खानी है। बहुत अच्छी पूरियाँ बनी है। एंड चने हस्बैंड ने तो कहा अच्छे बने, पर मैंने हस्बैंड के टेस्ट नहीं किया उनकी प्लेट में। यूजली मैं खाना शुरू कर देती हूँ फिर मेरी भूख ख़त्म हो जाती है, फिर मुझे नहीं आता, मज़ा नहीं आता मुझे। सब खा रही है सो बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। चने का ऐसे मसाला बहुत ज़्यादा ओवर तिखा एंड ऑयली भी नहीं बनता, पर फ्लेवर भी बहुत अच्छा। सो यस, बहुत अच्छे बने हैं, आप भी ज़रूर से ट्राई करें। मैं बैठ के आराम से खाती हूँ। चंगा दोस्तों, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। और आज मैं अंब भी खाना है। मैंने दसना, और हम लोग एक आम लेके आए हैं जो
बंदा रिफिल कर रहा था उसने कहा कि ये सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं और इन्ने ज़्यादा मीठे अम्ब, ओह गॉड मैं अम्ब खाते इन्ने मीठे 15 साल बाद, हो नहीं 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 सॉरी 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 2014 जो खाते ही मैं 7 ईयर्स बाद खाए हैं मैंने और बिल्कुल इंडिया जैसे और इतनी ज़्यादा खुशबू भी है वो मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। और दोस्तों पूरी चना खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं पार्क। पार्क में हम बहुत ही जोशो खरोश के साथ आते हैं खेलने के लिए, पर पार्क में आते ही हिम्मत अपने डैडी से नाराज़ हो जाता है। फिर डैडी का समय जाता है उसको मनाने के लिए और उसके बाद जब जाने का समय आता है तब हिम्मत बहुत ही मज़े से खेलता है। सो जो बड़ा पोर्शन है हमारा बाहर रहने का जो कि है हिम्मत का नाराज़ होना और उसको मनाना, वो निकल चुका है। अब वो पोर्शन आता है जब हिम्मत एंड डैडी मान चुके हैं और अब वो खेलेंगे। सो अब हस्बैंड को गर्मी लग रही थी, उन्होंने अपनी जो उन्होंने स्वेट शर्ट पहनी थी वो उतार दी है, वो हिम्मत ने पहन ली है। सो यही है लाइव अपडेट प्लेग्राउंड से। मशीन को लेके काफ़ी चिंतित हूँ मैं क्योंकि मेरा टास्क अधूरा रह रहा है जो मैं चाहती नहीं हूँ कि रहे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं करने के लिए और इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम भी नहीं मुझे लग रही कि रिपेयर के लिए भेजना पड़े इसे। सो देखते हैं कि कर दें, मैंने 2-4 ये वाले हैं वो मैंगो जिनकी बात मैं कर रही थी। अब हम इसका मैंगो शेक बनाएंगे। ये इतने ज़्यादा मीठे हैं कि आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है और जैसा मैंगो शेक मुझे अच्छा लगता है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा स्मूदी जैसी कंसिस्टेंसी हो। अब मैं इसको छील रही हूँ, पीसेस को काट लेंगे एंड देन मैंगो शेक। और लाइक दोस्तों तो मैंगो को कर लिया है मैंने और मैंगो के छिलके एंड गिटकी मैंने बहुत मजे लेके खाई है हस्बैंड के पास बैठ के। अब हम मिल्क शेक बना लेते हैं। ये जो मेरा मिक्सर है इतना अच्छा नहीं है, अच्छा वाला मुझे लेना है कभी फ्यूचर में, टाइम पास भी अच्छा है। तो मैंने थोड़ा सा डो डाला है, अब मैंगो का मिक्सचर डाल देते हैं। पर हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम मिल्क मैंगो शेक है बहुत गाढ़ा बने, थोड़ा सा और दूध ऐड किया। तो अगर चीनी नहीं भी ऐड करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि काफ़ी मीठे हैं मैंगो। दोस्तों तो मैंगो शेक रेडी है। मैं मेनू कट मिला, हस्बैंड को ज्यादा मिला, मैं क्या कि स्विच कर लो, पर पति इज नॉट रेडी। पर बड़ा मजेदार है, गाढ़ा फ्रेश रिफ्रेशिंग। जिन 15 साल बाद अंब खाधे होने तो तुम जा नहीं सकते हो, ड्रग ला ली होंगी कोई। ये लड़की 15 सालों के बाद आम खाने लगी है। एक्चुअल से गलती इनकी नहीं है, इन्हें कभी मीठे आम मिले ही नहीं है। हम जब भी लेते हैं हमें खट्टे मिल जाते हैं, है ना, उनका फ्लेवर नहीं होता। फिर क्यों नहीं? फिर मैं अंदर गया, ग्रोसरी वाले मालिक से मिला, मैंने उससे अपॉइंटमेंट सेट की। मैंने कहा कि यार बताओ आम चाहिए मुझे मीठे, मेरी बीवी को आम चाहिए, 15 साल का उसने आम खाने का व्रत तोड़ना है। वो कहना अखा मीट का दो ले जा, बस दो। उन्होंने व्रत वह चार सीगे, दे वर ओनली फोर, चार थे वहां पे, दो दो की पैकिंग थी 97 सेंट्स की, इतने सस्ते। और मैंने कहा दे दो यार सारे दे दो, मगर उनके पास चार ही थे। ये अब शदैन हो चुकी है, इतना इसे आनंद आया, ये शदैन हो चुकी है। कहते मेरे पतिनी ने व्रत तोड़ना, उसने कहा ये दो ले जा, मैंने कहा कि मैं ये दो ले जाता हूँ। उसे लगा मैं आम सा बंदा हूँ, मुझे उसने आम सिर्फ दो ही दिए।
man, this is so funny. Okay, agree story. अगर आप देख ही रहे हो कमली हुई फिर रही है, कल की कमली हुई फिर रही है। ओके दोस्त, हम ऐसे गुजर रहे थे तो हमने एक बंदे को आम को सेट करते रख दिया, लाइक रिफिल कर रहा था वो मैंगो वाला एरिया। तो वो उसे इन्होंने कहा कि मीठे आम केड़े होते हैं, उसने हमें कहा कि ये वाले बहुत अच्छे मीठे होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ दो ही थे, तो हमें अचानक से एक दो और दिख गए, तो हमने चार ले लिए। वैसे हम ज्यादा ले, और वैसे भी वो क्लियरेंस पे थे। कैन यू बिलीव 90 सेंट के दो अंब, मतलब सानू कितने थे, चार अंब 180 मिले। जो गर्मियां अंबा दी बहार आ जांदी, अंबा दे बाग सीगे किथे ही। वैसे ये आम ना जो है इंडिया के आम नहीं है, मैक्सिको के है। मुझे लगता था कि आम इंडिया के ही मीठे होते हैं, पर ये मैक्सिको वाले भी बहुत मीठे हैं। गाइस, मैं लास्ट गर्मियां इंडिया में थी अंबाले सीजन चे 2008 चे, पर उस तो बाद नहीं आम खाते कभी भी। सो जब मैं इंडिया गई थी लास्ट टाइम, मैं प्रेग्नेंट थी 2014 में। सो हमने वापस आना था अप्रैल मई में, तभी आम आने शुरू नहीं हुए थे। पर मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लेके आई, ओ मैं बहुत ज्यादा हैप्पीनेस ना खा दी। जिन्ने भी मम्मी ने लिया सारी मैं कल ही खा गई। मैं सारे घर वालों को पूछा तू इतनी खाने, तू इतनी खाने कन्ने पर आया, सानू इतने मिल जाने या तो नहीं मिलने, तू खा। मैं एको टाइम च 8-9 अंब खा ले, बड़े देखा आम का असर। देखो देखो दुनिया वालों आम का असर, कुछ भी छड़ लियो जे कभी इन्ना लंबा अंब ना छड़ लियो जे, कुछ भी छड़ लियो जे लाइफ दर्द होला पे अंब छड़ियो जे। हुण मैनू इन्नू फिक्स करन लई कान ते छड़नी पैणी जे। मोर सीजन दी मोर, छोड़ो कुछ और छोड़ो गप्पी। ओके गाइस, ये फालतू कन्वर्सेशन से हम डन है। हस्बैंड को मैं गलती ना ज्यादा दे दिया मैंगो शेक। लड़ो आगे आगे तुम्हारा अपना आप तो सेट नहीं आ रहा। आम क्या चख लिए इसने, इसने तो भांग चख ली। मैंने इसे 3-4 बार 15 साल में से फ्रूटी लेके दी, मैंने कहा ये ही आम ही है ये, जैसे कैटरीना कैफ नहीं कहती आम का मजा लेना है फ्रूटी भी, असली आम का मजा, असली आम का मजा। मैं पींदा रहा अंबा का, वैसे अंबा का मैंगो शेक कोई गल हो यार, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं है तुम दस है। अच्छा मैं पींदा रहा मैंगो शेक, ये पीते रहे अम्मा का मैंगो शेक, केले का बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी शेक, यहाँ पे केले का बनाना शेक मिलता है। आंबो का मैंगो शेक पीता था 15 सेक्टर, आंबो का मैंगो शेक करना मैंगो शेक नहीं कहते थे। 180 रुपए का क्या है, मेरे सर में हेडेक हो रहा है। फिलहाल आई एम एंजॉयिंग माय मैंगो शेक। मेनू लगा मैंगो शेक मेरे नाल ज्यादा तो चढ़ गया। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। रो रो हंस हंस के मेरी आंखों में पानी आ जाता है बहुत जल्दी, तो मेरी आंखों का मेकअप ख़राब हो चुका है, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय, लव यू।